नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 21 मई को MPPSC प्री का एग्ज़ाम है। आशा है आप सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ लगे होंगे। दोस्तों, उसी आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद हम भी कर रहे हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों MPPSC के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 2020 के क्वेश्चन पेपर का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कल जो है अपलोड किया था। इसमें दोस्तों हम 51 से लेकर 100 नंबर तक के जो क्वेश्चन है, यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हो। दोस्तों, क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो दोस्तों इसका आंसर है W.H. रसल। नेक्स्ट है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसके बाद जो है भारत में जो है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो दोस्तों इसका भी जो है पहला आंसर सही है, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रियासत के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 1971 में की गई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भारत की रियासतों का जब एकीकरण हुआ था आज़ादी के बाद, तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, जो राजा महाराजाओं थे उनको कुछ एक टाइप से आप बोल सकते हो लालच दिए गए थे कि आपको जो है पेंशन वगैरह ये सब जो है दी जाएगी, आपके खर्चे जो है दिए जाएंगे, लेकिन उनको जो है 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो दोस्तों इसका आंसर जो है इसरो ने। नेक्स्ट है, गार्टर के अनुसार फोर्थ चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सूचना, सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन। नेक्स्ट है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसके ए और बी दोनों आंसर सही है, ग्राफ और ट्री। ये दोस्तों MPPSC के ही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, तो कितने जो है IP पते को? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 128 बिट। नेक्स्ट है, यह वरीयता को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है? तो दोस्तों इसका आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों सबसे कम जो है रही है वृद्धि दर, और नेगेटिव में है शायद। नेक्स्ट है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है कास्टिक सोडा जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पर्वत दिए हैं और महाद्वीप दिए हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है एलवरिस एशिया, ये जो है गलत है, और सभी सही हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट वेंकेले उत्तरी अमेरिका में है, एकोन काकुआ ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये दोस्तों आर्थिक क्रिया कृषि प्रदेश दिए हैं और देश दिए हैं, इनको जो है आपको मैच करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है पहला सही है, यानी कि वाणिज्य दुग्ध उत्पाद, तो दोस्तों ये डेनमार्क, वाणिज्य अन्न उत्पाद, तो दोस्तों इसका अर्जेंटीना, वाणिज्य बागाती कृषि मलेशिया, वाणिज्य फल उत्पाद, तो दोस्तों फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है तमिलनाडु और गुजरात। देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा उन्हीं राज्यों में जो है लगाई जा सकती है जहां पर जो है हवा का जो प्रेशर है ज़्यादा रहता हो, ठीक है, जैसे किनारों पे जो कोस्ट लाइन है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में जो है मिलता है? तो दोस्तों ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अरोड़ जो है इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, मुगलकालीन ग्रंथ मासिरे आलमगिरी किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है साकी मुश्तैद खां की रचना है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनहा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे दोस्तों विवाद हुआ था काफ़ी, और इसका सही आंसर जो आयोग ने माना था देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है 1945। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? दोस्तों इसका जो आंसर है फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है पूर्ण निषेध है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों 368 अनुच्छेद में जो है संविधान में संशोधन कैसे क्या होगा उसके बारे में बात की गई है, संविधान में संशोधन करने से संबंधित। तो दोस्तों इसका जो आंसर है सी सही है, दोनों यानी कि दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों ये 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है दिग्विजय सिंह, इसका सही आंसर है सॉरी फ्रेंड दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो दोस्तों देखिए इसमें, दोस्तों देखिए क्या है, इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, फिर दोस्तों राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, उसके बाद में मंत्रियों का परिचय होता है, फिर निधन संबंधी उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है न्यायमूर्ति एस के झा, न्यायमूर्ति ये इसका सही आंसर है, ठीक है, ये नहीं रहे हैं, न्यायमूर्ति एस के पटनायक ही रहे हैं, आर वी रविंद्रन ये तो अभी कुछ ही समय पहले थे, और ये भी ए के माथुर जी न्यायमूर्ति ये भी कुछ समय पहले थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 243 न एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? दोस्तों 81 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 20। बेतवा नदी निकलती है, तो दोस्तों 82 ये बिंद पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उत्तरी, यानी कि दोस्तों भिंड मुरैना ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक खनिज है तो दोस्तों संगमरमर। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं तो फ्रेंड इसका आंसर है 12। नेक्स्ट है कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रामिण होता है तो दोस्तों इसका आंसर है हमेशा सीधा। नेक्स्ट है भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ये क्यों किया जाता है, इसके दो आंसर हैं एक्चुअल में, स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में खाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपदा प्रबंध एक्ट कब बनाया गया था तो दोस्तों इसका जो आंसर है 2005 में, 2006 से लागू हुआ था। नेक्स्ट कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है दोस्तों, उस टाइम पे कोरोना कोविड आया था इस कारण से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है तो दोस्तों ये सभी हैं, ये MERS मर्स और दोस्तों SARS COVID-19 ये सभी हैं। नेक्स्ट एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है तो दोस्तों इसका जो आंसर है रैम। नेक्स्ट XML का पूरा नाम है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, माइक्रोवेव वेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनकी सीमा होती है तो दोस्तों 1 MHz से 300 MHz। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लोफिश एक प्रकार का है तो ये क्या है तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स ये 93 का आंसर मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, सॉरी ये 1 GHz से 300 GHz जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लो फिश एक प्रकार का है तो दोस्तों ये सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है ये। नेक्स्ट है रोबोटिक्स के संदर्भ में पुमा क्या है तो दोस्तों 95 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर लैंग्वेज असेंबली, सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म दिया है पुमा, उसका फुल फॉर्म पूछा है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है तो दोस्तों बालाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या था तो दोस्तों इसका जो आंसर है डी 34.14। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है तो दोस्तों हीरा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है तो दोस्तों इसका जो आंसर है भोपाल। नेक्स्ट आकांक्षा योजना संबंधित है तो दोस्तों इसका जो आंसर है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। तो ठीक है फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और भी वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद।